क्योंकि उनको एक अप्रोचेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए जिसको जाकर कोई सवाल पूछना, और सवाल पूछने पर वो उसके देशभक्ति पर सवाल ना पूछने लगे। इस तरह की चीजें लोगों के बीच में गई है। आप सब मीडिया के साथियों ने हमारा मैनिफेस्टो भी देखा होगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश के तमाम दलों में एक हमारा मैनिफेस्टो है जिसने समाज के हर वर्ग के लिए, और सबसे बड़ी चीज है हमने बिंदुवार रखा चीज, शिक्षा होगी ना तो राज्य क्या रोल होगा, हम प्राइवेटाइजेशन को सीमित करेंगे, स्वास्थ्य होगा ना तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हम दुरुस्त करेंगे, लोक स्वास्थ्य की जो ये जो अवकरण है उनको हम मजबूती देंगे, ना कि हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी पे छोड़ देंगे। अब आप मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करूंगा, अगर आपने कुछ सवाल पूछी है, जब आखिरी स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था हीरो वर्शिप कभी मत करना, व्यक्ति पूजा में आपको तानाशाह मिलता है, 40-41 साल पहले भी हमें मिला, आप सब उस इतिहास से वाकिफ है। असल में अपने अगर हम संविधान को देखें और प्रधानमंत्री के पद को देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कभी भी साबुन डिटर्जेंट की किया। मैं छात्र जीवन में राजीव गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे पे कई धाराएं लगी थी लेकिन राष्ट्रद्रोह की धारा नहीं लगी थी। अब अगर मैं जेएनयू जाता हूं तो सिटीजन का चार्ज लगता है, ये फर्क आ गया। पहले सड़क पे लोग उतरते थे ना अपनी से, आप ये अंदाजा कीजिए ना इमरजेंसी में कैसे कैसे नारे लगते थे, कैसे कैसे नारे लगते थे। हम इसी यहीं भागवत जहाज जाते थे मुख्यमंत्री, हम लोग जब पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे हमने कितना विरोध किया था, लेकिन कभी भी ये नहीं कहता था कि व्यक्ति का विरोध राष्ट्र का विरोध। महागठबंधन में जो है आपके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी कुछ सवाल का जवाब दिया मैंने, तो हम साबुन नहीं खरीद रहे हैं, डिटर्जेंट टिकिया नहीं खरीद रहे हैं, इस सर्फ वाला काम नहीं कर रहा है, तो आपका वाला क्या है? डेमोक्रेसी सामूहिकता की चीज है। 2004 में आपको पता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, दर्जन लोग हैं जो सक्षम है, और जब एक साथ टेबल में लोग बैठेंगे तो जैसे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इस बात की कभी योग्यता भी मायने किया। जैसे प्रधानमंत्री जी आजकल कहते हैं उधार कौन, तो मैं प्रधानमंत्री जी को अक्सर कहता हूं कि आत्ममुग्धता के शिकार है, मैं मेरा मुझको, मुझसे पहले अंधेरा था मेरे बाद फिर अंधेरा हो जाएगा, वो ये भूल जाते हैं आप हम, नेताओं की बात छोड़िए, आप हमने क्या इस देश को नहीं बनाया है। मैं पॉलिटिक्स माने से पहले शिक्षा में था, अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, क्या मेरा योगदान नहीं है? क्या इस देश को 70 वर्षों में यहाँ के किसान, भागलपुर के किसान, भागलपुर के श्रमिकों ने नहीं बनाया, तसर काम करने वाले लोगों ने नहीं बनाया? ये किसी को अगर ये फीलिंग आ जाए, ये उसके अंदर भावना आ जाए कि मैं समझता हूँ दिक्कत प्रतीत इसलिए भी होता है क्योंकि कई दल हैं जो आपस में अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब 23 मई के बाद नतीजे आएंगे तो हर दल इस हिसाब से सोचेगा कि दक्षिण पंथी अधिनायकवाद के खिलाफ अगर हमें थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा आगे जाना पड़े, 2 कदम पीछे रखना पड़े, तो ये हमारे राजनीति का तकाजा है। 2004 में भी ये हुआ था, और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि 2019 की 23 मई के बाद पीएम वाले आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पीएम वाले आपके सवाल का जवाब ये, क्योंकि मैं दिल्ली में पिछले 3 महीने से इस सवाल को सुन रहा हूँ, अक्सर मैं एक पहले लाइटर प्रश्नों का मैं जवाब देता हूँ। अगर आप 2004 को मैं मानक मानता हूँ हमेशा, क्योंकि फ्रेगमेंटेड जो एक विखंडित पॉलिटिकल रियलिटी है, कहां का ये दल आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे बंगाल का एग्जांपल लीजिए, उत्तर प्रदेश का लीजिए, 2004 में भी ये स्थिति थी। 3 तरह की परिस्थितियां होती है, एक होता है प्री पोल अंडरस्टैंडिंग जो हमने बिहार में की लगभग दुरुस्त, एक होती है पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग जिसके बाद यूपीए का जन्म हुआ था, यूपीए 1, और एक होता है कई जगह पर आप देखेंगे टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, कई जगह पर अगर अंत अंत तक चुनाव में लगता है कि फलाना कैंडिडेट शायद ज्यादा सक्षम तरीके से लड़ रहा है चुनिंदा सीटों पर, तो वहां अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम मूलतः चुनाव के बाद की परिस्थितियों के आधार पर बनता है, चुनाव के पूर्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मैं आपको बताऊं 2004 में भी यही परिस्थिति आई थी। 2004 में रूरल इनकम गारंटी की हमारी भी एक स्कीम थी, जब हमारी सरकार बनी हम सरकार के हिस्सेदार हुए 2004 में, जिसको यूपीए 1 कहते हैं, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री बने, तो जो हमारी धारणाएं थी हम उसको लागू कर, हमारी आज तो हमने इसको घोषणा पत्र नहीं कहा, इसको प्रतिबद्धता पत्र कहा है,
आने वाले सरकार में हमारी भागीदारी होगी, तो हम उस सरकार को जो भी एक तयशुदा कार्यक्रम होगा, जिसको हम मीडिया के साथी लोग मिलकर कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में चार पांच जो मोटी मोटी बातें हैं हमारी, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संविधान के धाराओं के लिए। जब गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू होगा, उसमें जितनी बातें आपने कही है सभी के सभी उसमें नहीं लग रहे हैं। तेजस्वी यादव हमारे दल के नेता है, तो जाहिर है लालू जी इलाजरत है, कस्टोडियल इलाज में है, तेजस्वी जी ही पूरे चुनाव का भार उठा रहे हैं। तो जो भी भूमिका हमारे दल की ओर से होगी वो तेजस्वी जी के मार्फत ही होगी, उन्हीं के निर्देश में होगी, क्योंकि अगर आप देखें चुनाव का पूरा संचालन वो स्वयं कर रहे हैं, इसलिए भूमिका जो बनेगी उसमें उनकी बड़ी बड़ी भूमिका। आप लोग तो बिहार में रहते हैं, आप लोग फिर भी समझते हैं, दिल्ली के कई मेरे पत्रकार मित्र वो यहाँ की हकीकत से वाकिफ नहीं है, उन्हें लगा कि तनवीर हसन कोई ऐसे ही कोई आदमी आया और हमने तनवीर हसन के नाम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जबकि सच ये है कि बूथ वाइज हमने नहीं करते, बूथ वाइज लोगों ने एंगेजमेंट किया, मिले जाकर के, ये स्वयं मिले हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तब इस निर्णय पे हम आए। महागठबंधन की जब सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की एमएलए चार, दो कांग्रेस के पांच, प्लस पूरा जो हमारा संगठन है, यूनैनिमसली उन्होंने कहा कि तनवीर हसन ही चाहिए। अब हमारे सामने दो विकल्प, या तो महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कन्हैया को चुन करके तनवीर को खारिज करें, संगठन को खारिज करें। हमने संगठन ही बचाया और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं 23 मई को फिर हम बात करेंगे, जीत में ना हार में, मैं आपको बता रहा हूं लड़ाई में हम हैं। गिरिराज जी कन्हैया की वजह से आने से डर रहे थे, ऐसा नहीं है, गिरिराज जी को वहां कंपोजिशन पता है, वहां किस तरह का वोट है। 2014 के चुनाव में जो तथाकथित मोदी लहर थी उनको 383,000 वोट आया, अगर मैं गलत आंकड़ा नहीं है, एग्जैक्टली यही तकरीबन 40-45,000 वोटों से वहां आए थे, ठीक है। जब टिकट देने की ये आज से नहीं चल रहा, 6 महीने से हमारे संगठन में वहां लोगों ने यूनानिमस, और मैं 5 साल में 2-1.5-2 साल से मैं लगातार बेगूसराय जा रहा हूँ, कारण है नहीं, विप्लवी पुस्तकालय है वहां एक, और बहुत क्रांतिकारी किस्म का पुस्तकालय है, तो वहां मैंने अपनी योजना राशि से कुछ दिया है, तो मेरा जाना ना बेगूसराय बहुत है। संगठन में दो विधानसभा के हमारे हमारी डेमोक्रेसी सामूहिकता में, और मैं यकीन दिलाऊं 2004 के मार्च महीने तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम किसी ने नहीं सोचा कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और वो 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, और उनके कार्यकाल में अगर आप चीजें आंकड़ों को ही देखें, मोदी जी के आंकड़ों को उनके आंकड़ों को अगर हम तुलना कर लें किसी भी चीज पे, भूखमरी पे, रोजगार पे, सोशल सिक्योरिटी पे, मनरेगा पे, तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति जो कभी अपने सीने की चौड़ाई का वास्ता नहीं देता था, उसने मौन रह करके भी, मैं समझ रहा हूं कि बर्दोलेपन से ज्यादा बेहतर परिणाम दिए। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को लेकर के मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं माननीय मोदी जी की योग्यताओं को ही, कांग्रेस का निर्णय नहीं था, आपको याद है कांग्रेस की कितनी सीटें थी 2004 में, 139 सीटें मात्र, एक बस खत्म कर लो, 135 सीटें बाहर से आए, उससे ज्यादा। तो जब लोग टेबल पर बैठते हैं बहुत सारी चीजें, ऐसा व्यक्ति तो ढूंढा जाता है जो सबको ले सके, मुझसे पहले कुछ नहीं, मेरे बाद कुछ नहीं, इसलिए मैं इंटरव्यू आ रहा था, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। अगर आप 2004 को मैं मानक मानता हूं हमेशा, क्योंकि फ्रेगमेंटेड जो एक विखंडित पॉलिटिकल रियलिटी है, कहा ये दल आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे बंगाल का एग्जाम्पल लीजिए, उत्तर प्रदेश का लीजिए, 2004 में भी ये स्थिति थी, तीन तरह की परिस्थितियां होती है। एक होता है प्री पोल अंडरस्टैंडिंग, जो हमने बिहार में की लगभग दुरुस्त, एक होती है पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग, जिसके बाद यूपीए का जन्म हुआ था, यूपीए 1, और एक होता है कई जगह पर आप देखेंगे टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, कई जगह पर अगर अंत अंत तक चुनाव में लगता है कि फलाना कैंडिडेट शायद ज्यादा सक्षम तरीके से लड़ रहा है चुनिंदा सीटों पर, तो वहां अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम मूलतः चुनाव के बाद की परिस्थितियों के आधार पर बनता है,
चुनाव के पूर्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम।